वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय क्लास। और हम लोग डेटा कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, और डेटा कम्युनिकेशन में हम लोगों ने OSI मॉडल पढ़ लिया था, जिसमें आपको ये पता है कि 7 लेयर्स होती हैं और हमारा डेटा इन 7 लेयर्स के थ्रू होके जाता है और हमारे रिसीवर पे रिसीव होता है, वहाँ पे भी ये 7 लेयर्स काम करती हैं। तो आइए आज हम वो नियम पढ़ते हैं जिसके द्वारा हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। किसी भी डेटा को, किसी भी चीज़ को किस कम्युनिकेट करने से पहले उसके लिए एक नियम बनाना आवश्यक है। तो उस नियम को हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन के टर्म्स में प्रोटोकॉल, कि हमें क्या भेजना है, कैसे भेजना है और कब भेजना है। प्रोटोकॉल क्या चीज़ है आपकी, वो रूल्स हैं, वो नियम है जिसके द्वारा आप अपने डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर भेजते हो। इट डिफाइंस व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड, कि हमें क्या भेजना है, हाउ इट इज़ कम्युनिकेटेड, हमें कैसे भेजना है, एंड वेन इट इज़ कम्युनिकेटेड, और उसे कब भेजना है। तो हमारे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा ट्रांसफ़र करना हुआ हो, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, तो उनको हम किस तरह से भेजेंगे, उसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। कब भेजना है, क्या भेजना है और कैसे भेजना है, 3 एलिमेंट्स इसके होते हैं प्रोटोकॉल के, वो होते हैं सिंटेक्स, सीमेंटिक्स और टाइमिंग। तो जो सिंटेक्स होता है आपका, वो हमें डेटा के फॉर्मेट के बारे में बताता है कि हमें अपने डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, आप जब भी सेमिनार्स में जाओ या इंटरव्यू में जाओ तो आप इनिशिएट करते हो कि माय नेम इज़ दिस, आई लिव हियर, तो आपका एक फॉर्मेट होता है जिसमें आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो। उसी तरह से जब भी हम डेटा को भेजते हैं तो उसमें प्रेजेंटेशन ज़रूरी होती है, कि पहले की 2 बिट्स हमारी सेंडर की एड्रेस हो गई, नेक्स्ट की 8 बिट्स हमारी मैसेज हो गई, और फिर लास्ट की 2 बिट्स हमारी रिसीवर की एड्रेस हो गई। ठीक है, तो हम इस फॉर्मेट में हो सकता है अपने डेटा को भेजें, या तो हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग की 2 बिट्स सेंडर का एड्रेस, फिर उसके नेक्स्ट 2 बिट्स रिसीवर का एड्रेस, और रेस्ट जो 8 बिट्स बची वो हम मैसेज कर सकते हैं। तो सिंटैक्स हमारा ये डिफाइन करता है कि डेटा को हमें भेजना किस प्रकार से है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सीमेंटिक्स हमें बताता है कि हर एक फॉर्मेट का मीनिंग क्या है, जो हमने ये 2 बिट्स हमने सेंडर की ली हैं, तो हमने 8 बिट्स मैसेज की ली हैं, तो उसका मीनिंग क्या है। तो सीमेंटिक्स हमें बताता है कि हमारे जो डेटा हमने ले रखा है उसका हर एक सेक्शन का मीनिंग क्या है। टाइमिंग हमें ये बताता है कि हमें डेटा को कब भेजना है और किस स्पीड से भेजना है और कितनी जल्दी उसे हम भेज सकते हैं। तो प्रोटोकॉल क्या हुआ, वे रूल्स जिसके अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। प्रोटोकॉल हमें यह बताता है कि हमें क्या भेजना है, कैसे भेजना है और कब भेजना है। 3 बेसिक एलिमेंट्स इसके होते हैं, सिंटैक्स जिसमें हम डेटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, उसकी फॉर्मेट को डिफाइन करते हैं कि डेटा को हमें पढ़ना कैसे है, सेंडर का एड्रेस क्या लगाना है, रिसीवर का एड्रेस कैसे लगाना है और मैसेज कब रखना है। सीमेंटिक्स हमें बताता है कि इसे हमें पढ़ना कैसे है, कि डेटा का मीनिंग क्या है। टाइमिंग हमें यह बताता है कि डेटा को कब भेजना है और कितनी फास्टली उसे हम सेंड कर सकते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो बहुत ही वाकिफ है ये आप इन सब चीज़ों से, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं SMTP। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल से हम क्या करते हैं, अपने मैसेज को एक्सचेंज करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमारी टेक्स्ट हो सकती है, वॉइस हो सकती है, वीडियो हो सकती है और ग्राफिक्स भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिसिपेंट्स हमारे मोर वन भी हो सकते हैं और मोर, हम एक मैसेज को, एक इन्फॉर्मेशन को एक या उससे अधिक रिसीवर्स तक भेज सकते हैं। तो जो आप मेल आईडी जनरेट करते हो अपनी, ये वही चीज़ है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एक मेल के द्वारा ट्रांसफ़र करते हो। तो 2 चीज़ें होती हैं, मेल को सेंड करना एज अ सेंडर और मेल को रिसीव करना एज अ रिसीवर। तो जब भी हम मेल को सेंड करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरत क्या होती है, एक ईमेल आईडी की। हम ईमेल आईडी को बनाते हैं, जो कि एक सिंपल पोस्टल मेल भी हो सकती है, क्योंकि आप देखते हो कि उस पर सेंडर का एड्रेस भी होता है, रिसीवर का एड्रेस भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है और बाकी पूरा मैसेज भी होता है। तो सेंडिंग, जब हमें मेल को सेंड करना है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मेल आईडी बनाएंगे, जो कि बिल्कुल पोस्टल मेल की तरह दिखती है। 2 चीज़ें होती हैं, एनवलप और मैसेज। एनवलप में क्या होता है, सेंडर का एड्रेस होता है, रिसीवर का एड्रेस होता है, ठीक है, और मैसेज में क्या होता है, हेडर और बॉडी। तो हेडर में क्या होगा, हेडर आपका डिफाइन करता है कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है और मेन सब्जेक्ट क्या है मैसेज का आपके। सपोज कीजिए अगर मैं
शिंजिनी एज अ सेंडर मैसेज भेजती हूँ सरिता को, ठीक है? तो शिंजिनी हो गया सेंडर का एड्रेस, सरिता हो गया रिसीवर का एड्रेस, और मुझे रिगार्डिंग सिलेबस के रिगार्डिंग मुझे मैसेज भेजना है, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है? बॉडी हमारी होती है मेन मैसेज की, एक्चुअल हमारी इंफॉर्मेशन है क्या, जिसमें मैं पूरे सिलेबस को डिफाइन करूँगी, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके लिए आप एक ईमेल आईडी बनाते हो और अपने मैसेजेस को, चाहे वो टेक्स्ट हो, वॉइस हो, वीडियो हो, डेटा हो, आप उसको ट्रांसफर इजिली कर सकते हो। सेंडिंग एंड रिसीविंग दो सेक्शंस होते हैं। जब आपको डेटा को अपने सेंड करना होता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एनवलप और मैसेज। एनवलप में जैसे आप नॉर्मल पोस्टल मेल में सेंडर और रिसीवर का एड्रेस लिखते हो, वो आपके एनवलप में हो जाएंगी। मैसेज में आपका हो जाएगा हेडर और बॉडी। हेडर में हो जाएगा आपका सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस और सब्जेक्ट क्या है। बॉडी आपकी बताती है कि आपका मेन इन्फॉर्मेशन या मेन मैसेज क्या है, ठीक है? जब भी हम मेल को रिसीव करते हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है कि हमारा जो ईमेल सिस्टम है, चाहे वो हमने जीमेल पे बनाया हो, याहू पे बनाया हो, या रेडिफ पे बनाया हो, या व्हाट्सएप जिस पे बनाया हो, वो पीरियोडिकली चेक्स करता रहता है आपके बॉक्स, ईमेल बॉक्सेस को। जैसे ही आपके पास एक मैसेज आता है, वो पॉपअप करके आपको बता देता है। तो यानी आपका जो ईमेल सिस्टम है वो पीरियोडिकली किसी न किसी टाइम पे वो मेल बॉक्सेस को चेक करता रहेगा, और अगर आपके पास मेल आएगी तो आपको वो नोटिफिकेशन भेजता है। एक और इसमें चीज़ होती है एड्रेस, कि हम जो ईमेल आईडी बना रहे हैं वो कैसे बनती है। तो एड्रेसिंग सिस्टम बनाना ज़रूरी है कि भाई अगर हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना है तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो उस ईमेल आईडी को हम कहते हैं एड्रेसिंग सिस्टम, जिसके द्वारा हम अपने आप को एड्रेस करते हैं। जब भी हमें किसी के घर जाना होता है या हमें किसी को बताना होता है कि आपको हमारे घर आना है, तो हम सबसे पहले अपने आप को एड्रेस करते हैं कि हाँ ये मेरा नाम है, ये मेरे घर का पता है। उसी प्रकार से एक एड्रेसिंग सिस्टम होता है जब भी हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं वाया मेल। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक लोकल पार्ट, एक डोमेन नेम। लोकल पार्ट कुछ भी हो सकता है, सपोज़ कीजिए सरिता। डोमेन नेम आपका जीमेल हो सकता है, याहू हो सकता है, या रेडिफ हो सकता है, या व्हाट्सएवर आप जो लेना चाहो, और उसे हम ऐट द रेट के साइन से सेपरेट करते हैं। तो ये हो गया सरिता हमारा लोकल पार्ट, और ये हमारा हो गया डोमेन नेम, जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें ईमेल को ट्रांसफ़र करने की सुविधा प्रोवाइड करती है। जीमेल के थ्रू हम इजीली अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, याहू के थ्रू कर सकते हैं, या रेडिफ के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? तो लोकल पार्ट और डोमेन नेम आपके एड्रेसिंग सिस्टम का दो सेक्शन होता है। लोकल पार्ट जो कि आप खुद से डिसाइड करके रखते हो, और डोमेन नेम वो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी सुविधा आप लेते हो, जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने मेल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। उनको हम ऐट द रेट के साइन से सेपरेट या अलग करते हैं। पूरी मेलिंग सिस्टम में आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यूज़र एजेंट, जो कि एक मेल रीडर की तरह काम करता है। ये फर्स्ट कंपोनेंट होता है जब आपका ईमेल आईडी एग्जिस्टेंस में आता है। मैसेज को कंपोज करना हुआ, मैसेज को भेजना हुआ, मैसेज को रिसीव करना हुआ, मैसेज की रिप्लाई करनी हुई, मेल बॉक्सेस की हैंडलिंग करनी हुई, या हमें मैसेज को फॉरवर्ड करना हुआ, तो यूज़र एजेंट हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है, जिसको हम मेल रीडर कहते हैं, जो कि मैसेज के आने से, इनबॉक्स में आपको शो करने से, नोटिफाई करने से लेकर रीडिंग एंड हैंडलिंग सब चीज़ों को ये मैनेज करता है। दिस इज़ योर यूज़र एजेंट, यानी जब भी आप अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करोगे, देन श्योरली यू आर गोइंग टू हैव अ यूज़र एजेंट, जो कि आपका एक मेल लीडर की तरह काम करेगा। अगर आपको किसी को मैसेज भेजना है, कंपोज करना है, तो ये एग्जिस्टेंस में आएगा, और अगर आपके पास कोई मैसेज आता है तो आपके बॉक्स को हैंडल करेगा और आपको नोटिफाई करेगा कि आपको ये मैसेज आया है, साथ ही साथ मैसेज को रीड भी करेगा और मैसेज की फॉरवर्डिंग भी करेगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? सिंपल, आपका एक सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP हम कहते हैं इसे। ये हमारा नॉर्मल पोस्टल मेल की तरह होता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपके पास एक खुद की ईमेल आईडी हो, जिसमें दो सेक्शंस होते हैं, लोकल पार्ट जो कि आप खुद डिसाइड करते हो, और डोमेन नेम जिसकी सर्विसेज आप लेते हो। डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस लेना चाह रहे हो। मेल को अगर हमें सेंड करना है तो दो चीज़ें होती हैं, एनवलप और मैसेज। एनवलप में हम सेंडर का एड्रेस, जो डेटा भेज रहा है उसका नाम लेते हैं, और रिसीवर का एड्रेस, जिसको डेटा जाता है। मैसेज में हमारे दो चीज़ें होती हैं, हेडर और बॉडी। हेडर हमारा सेंडर का नाम रखेगा,
रिसीवर का नाम रखेगा और सब्जेक्ट बताता है कि हमने इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग भेजी है, जबकि बॉडी हमारी एक्चुअल मैसेज को कंटेन करती है। रिसीविंग हमें जब भी मेल करनी होती है, मेल को रिसीव करना होता है, तो आपका ईमेल सिस्टम पीरियोडिकली पर्टिकुलर टाइम पे मेल बॉक्सेस को चेक करता रहता है और अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन या मैसेज आता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको दे देता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक आपकी ऐसी यूनिक फैसिलिटी है इंटरनेट की, जिसके द्वारा आप फाइल की कॉपिंग करते हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे या एक होस्ट से अनदर होस्ट पे। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो FTP आपकी होल्ड करता है, जैसे कि अगर आपने अपनी फाइल को कॉपी किया है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो ये ज़रूरी नहीं कि दोनों सिस्टम के फॉर्मेट सेम हो, टेक्स्ट और डेटा को वो सेम तरीके से पढ़े, तो ये प्रॉब्लम FTP आपकी हैंडल करेगा, आपको तुरंत बताएगा कि आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए। नेक्स्ट आपका है कि दोनों सिस्टम्स में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो सकते हैं, कोई भी फाइल फॉर्मेट को दो सिस्टम्स हैं तो वो अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आपकी FTP ईजिली हैंडल करता है। FTP में दो चीज़ें होती हैं, क्लाइंट सर्वर। हम पूरी FTP को फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से क्लाइंट सर्वर मॉडल के नाम से पढ़ सकते हैं। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल आपका क्या होता है कि जब भी क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर पर डेटा आता है तो उसे हम कहते हैं अपलोडिंग, और जब भी इस सर्वर से क्लाइंट को डेटा जाता है तो उसे हम कहते हैं डाउनलोडिंग। ठीक है, अब आप सिंपल में इसको मैं बता देती हूँ कि मैं ठीक है, क्लाइंट सर्वर पे डेटा भेज रही हूँ, दैट इज अपलोडिंग। ये सर्वर आपको डेटा डाउनलोड करने की सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, देन यू आर अ क्लाइंट। ठीक है, तो FTP आपका एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा आप अपनी फाइल को एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इजीली कॉपी कर सकते हो। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये हैंडल करता है, जिसमें से दो बेसिक हैं कि आपके दो सिस्टम्स पे अगर फाइल फॉर्मेट डिफरेंट होता है तो भी आपको पता देता है, डिफरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स होती हैं उसको भी हैंडल करता है। जनरली हम क्लाइंट सर्वर मॉडल से इसको पढ़ते हैं, दो कनेक्शंस होते हैं, ये हमारा देखिए क्लाइंट है, यूजर इंटरफेस, कंट्रोल प्रोसेस, डेटा ट्रांसफर प्रोसेस, सर्वर कंट्रोल प्रोसेस, डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। कंट्रोल कनेक्शन कंट्रोल प्रोसेस के मध्य होता है, डेटा कनेक्शन डेटा ट्रांसफर के मध्य होता है। कंट्रोल कनेक्शन हमारा पूरे FTP सेशंस के लिए ओपन रहता है, जब एक बार ये फाइल को कॉपी करने के लिए ओपन हुआ तो ये कॉन्टिन्यूस ओपन रहेगा, परंतु डेटा कनेक्शन हमारा एक बार फाइल को हमें कॉपी करनी है, कॉपी हुआ क्लोज हो जाएगा, फिर हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे तो दोबारा ये ऑन होगा, यानी ये ड्यूरिंग द एंटायर सेशन ओपन रहता है, ये हर एक फाइल ट्रांसफर के बाद क्लोज हो जाता है, फिर दोबारा आप डिमांड करते हो तो दोबारा ये ऑन होता है। जब भी क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर पर डेटा जाएगा तो उसे अपलोडिंग कहते हैं, जब भी सर्वर से क्लाइंट के पास डेटा जाएगा तो उसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपको ये सुविधा प्रोवाइड करता है कि आप अपनी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इजीली ट्रांसफर या कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट के पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं, यूजर इंटरफेस, कंट्रोल प्रोसेस, डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। सर्वर के पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, सर्वर कंट्रोल प्रोसेस एंड सर्वर डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। क्लाइंट और सर्वर के मध्य में दो कनेक्शन होते हैं, कंट्रोल कनेक्शन जो कि कंट्रोल प्रोसेस के मध्य होता है, और डेटा कनेक्शन जो कि डेटा ट्रांसफर प्रोसेस के मध्य होता है। क्लाइंट कनेक्शन कंट्रोल कनेक्शन आपका ड्यूरिंग द एंटायर FTP सेशंस ऑन रहता है, जबकि आपका जो डेटा कनेक्शन है वो पर्टिकुलर फाइल ट्रांसफर के बाद क्लोज हो जाता है, दोबारा आप रिक्वेस्ट करो कि दोबारा वो ऑन हो जाएगा। तो आई होप सो आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, जिसमें कि हमने प्रोटोकॉल को पढ़ा, वो रूल्स को पढ़ा जिसके द्वारा हम अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं, जिसके तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और टाइमिंग, कि हमें क्या भेजना है, कैसे भेजना है और कब भेजना है। सिंटैक्स हमें बताता है कि हमें डेटा को रखना किस प्रकार से है, सेंडर का एड्रेस कब रखना है, रिसीवर का एड्रेस कब रखना है और मैसेज कहाँ रखना है। सिमेंटिक्स हमें उस चीज़ को पढ़ने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि किस प्रकार से हमें डेटा को इंटरप्रेट करना है। टाइमिंग हमें बताता है कि हमें डेटा को कब भेजना है और कितनी फास्टली भेजना है। फिर हमने पढ़ा आज ईमेल को, कि जब आप अपनी ईमेल आईडी यूज़ करके अपने इंफॉर्मेशन को
एक्सचेंज करते हो, तीसरा आपने पढ़ा कि किस प्रकार से आप अपनी फाइल्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कॉपी कर सकते हो, जो कि टोटली क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस होती हैं। दो कनेक्शंस होते हैं, कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन। कंट्रोल कनेक्शन पूरे एफटीपी सेशंस के लिए ऑन रहता है, जबकि डेटा कनेक्शन ऑन होके फिर ऑफ हो जाता है। चलिए आप इसको पढ़िए, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो डेफिनेटली आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।